ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हर बार की तरह इस बार भी मानसून की बारिश का कहर बनकर बरस रही है। बीते दिनों मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई पूरी तरह डूब गई थी। शनिवार को फिर बारिश शुरू हुई। ठाणे जिले के मुमरा बाईपास पर पहाड़ के कुछ हिस्से टूटकर नीचे गिर गए। 24 घंटे यातायात में रहने वाला मुमरा बाईपास, जो हमेशा भय बना हुआ रहता है, आज सुबह 10 बजे के करीब पहाड़ के कुछ हिस्से रोड पर टूटकर गिर गए थे। फिलहाल पत्थरों को रोड के किनारे कर दिया गया है, लेकिन एक भय का माहौल हमेशा बना हुआ रहता है। खड़ी मशीन रोड के समीप पहाड़ के कुछ हिस्से टूट गया है। हम सीधा आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता जहां पर मौजूद है, इस्लामुद्दीन खान। क्या जानकारी है इस वक्त आप जो है वहां पर मौजूद हैं? कौन सा पत्थर है पहाड़ का जो टूट कर गिर गया है? जी फिरोज, हम लोग समय मौजूद है, हम लोग मुमरा बाईपास पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ से जो है पत्थर टूटकर नीचे गिरने की घटना आज सुबह करीब 10 बजे के वक्त हुई है। लेकिन इस पत्थर जो यहाँ पर गिरा है, चट्टान जो यहाँ से खसकी है, इसमें किसी को नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल जो है खतरा बना हुआ है। हालांकि जिस वक्त ये पत्थर गिरा है उस वक्त काफ़ी जो है शहर में हलचल हो गई थी कि मुमरा बाईपास पर जो है पहाड़ खसकने के वजह से हड़कंप मचा हुआ था पूरे शहर में। लेकिन जब हम यहाँ पर आए और देखे तो यहाँ पर पहाड़ से कुछ पत्थर जो है टूटकर नीचे बाईपास पर गिरे हुए हैं, और बाईपास पर हालांकि किसी को कुछ चोट नहीं लगी है, ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह से ये पत्थर टूटकर नीचे गिरा है, यहाँ से 24 घंटा ये बाईपास चालू रहता है। 24 घंटे यहाँ से जो है बड़ी गाड़ियों और छोटी गाड़ियों का आना जाना रहता है। ऐसे में फिलहाल खतरा बरकरार है कि अगर कहीं से भी या कोई भी पत्थर यहाँ पर कहीं से भी अगर पहाड़ी का कोई हिस्सा टूटता है और किसी भी गाड़ी के ऊपर अगर गिरता है तो इसमें काफ़ी जो है नुकसान हो सकता है, जान जा सकती है इसमें। हालांकि आपको बता दूं कि इस बाईपास का जब मरम्मत कार्य हो रहा था उस दौरान जो है इसे ये पहाड़ को जो है काटा गया था, तोड़ा गया था, यहाँ से जो है पत्थर निकाला गया था। अपने कैमरा मैन से चाहूँगा दिखाने के लिए ऊपर के साइड में जो है जाली लगी हुई है और वो जाली जो है बराबर कीले मार मार कर पहाड़ में लगाए गए हैं कि यहाँ से कोई भी पत्थर ना गिरे। लेकिन उसके बावजूद जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर जाली नहीं लगाई गई है, और ये रहमानिया जो हॉस्पिटल है उसके ठीक सामने ये पहाड़ी है, और ये पहाड़ जहाँ पर है वहाँ से ही ये पूरा घुमावदार रास्ता है यहाँ पर। और इस घुमाव रास्ता होने की वजह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से टर्न होकर सीधा जाती है, और इस हाथ पर मेरे पहाड़ है, यहाँ से कई बार जो है पहाड़ जो है चट्टाने से खसकने की बात सामने आती है। और यहाँ से अगर गाड़ियाँ जा रही हैं और इस दौरान अगर ऐसे ही बारिश होती है और अगर पहाड़ जो है पहाड़ का हिस्सा कुछ टूट कर अगर ऐसे गिरता है गाड़ियों पर तो एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। बहुत शुक्रिया इस्लामुद्दीन जानकारी देने के लिए। हालांकि पहाड़ के पत्थर टूटने का पहला मामला नहीं है, इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं। और एक खबर और सामने आई है, मुमरा के दरगाह रोड के सामने एक झाड़ बिल्डिंग से टच हो गया है, बिल्डिंग पे गिर गया है। बगल में चार महल्ले की बनी कौसर बाग बिल्डिंग में टच हो गई है, यानी बिल्डिंग पे पूरा लोड झाड़ का है। और बिल्डिंग को फिलहाल खाली नहीं कराया गया है और झाड़ को काटने की तैयारी चल रही है। ये झाड़ काफ़ी पुराना है, झाड़ से लगकर इमारत बनाई जा रही है जो ज्योति इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों ने ये भी बताया, झाड़ के जो नीचे का जड़ है उसको इमारत बनने के पहले ही, यानी इमारत बनने के टाइम में काट दिया गया था एक तरफ का, और पानी भरते ही यानी पानी पाते ही झाड़ कमज़ोर होकर एक तरफ यानी चार महले की इमारत पर झुक गया है। फिलहाल झाड़ को काटने की तैयारी चल रही है और कोई जनहानि की नुकसान नहीं हुआ है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।